भाइयों ने इस वक्त बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव में बीजेपी उतरेगी अपना कैंडिडेट, टिकट वितरण का रहेगा ये आधार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बिहार में रहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। पार्टी इसमें चुनाव में अपने सिंबल व कैंडिडेट उतरेगी। पार्टी ने पंचायत चुनाव लड़ने के संबंध में ऐलान किया। शहर के चंपारण विवाह भवन ने भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में बुधवार को हुई। बैठक के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सरफार ने कहा कि बैठक में यह निर्णय हुआ कि आने वाला पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव रहे दल खत हो या गए दखलखत चुनाव, लेकिन भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरेगी और अपने संगठन की मजबूती के लिए कार्य करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बैठक की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मंत्री सांसद हरीश दीपेंद्री ने बताया कि कोरोना संकट के बीच आगामी रणनीतियों को लेकर यह जिला कार्य समिति की पहली बैठक रखी गई है। इसमें आगामी कार्यक्रमों लेकर रूपरेखा तय की गई। इन चुनावों में भाजपा समेत उम्मीदवार उतरेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक और बड़ी खबर, मौके पर मौजूद राज्यसभा सांसद संतीश चंद्र दुबे ने कहा कि हमारा संगठन तभी मजबूत रहेगा जब पूरे ईमानदारी पूर्वक गांव में पहुंचे अंतिम से अंतिम व्यक्ति हम तक और हमारे संगठन के कार्यकर्ता करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सरफार ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मान है। उन्होंने आगामी पंचायत व निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से जुट जाने का आह्वान किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक और बड़ी खबर, वहीं मौजूद विधायकों ने भी संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्र, प्रमोद सिंह, संजय कुमार पांडे, आनंद सिंह, रवि सिंह, राजन सोनी, पायल गुप्ता, रंजन कुशवाहा, सत्येद राशन, कुरी सुनील जायसवाल समेत जिले के विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपनी यार दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज तक के लिए इतना ही, मिलती है अगली वीडियो।